घर वाले की याद आएगी और किसकी नहीं। अब तो गर्लफ्रेंड भी रहेगी तो उसको भी याद आएगी। अच्छा और किसकी याद आएगी? गर्लफ्रेंड है क्या आपकी? कितना सैलरी कितना है आपकी? सैलरी मेरी है कम से कम 70,000 रुपए। 80,000 कोई पा रहा है, कोई 36,000 पा रहा है, कोई 30,000 पा रहा है, कोई 32,000 पा रहा है। हेलो हरियाणा, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाला, एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। इस समय हम मिर्जापुर के सरजमी पे है और यहां का जो इन्वायरमेंट है, यहां का लोकेशन और माहौल की बात करूं तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी है। हमारे साथ एक हमारे भाई हैं, ये 12 तारीख उनका टिकट है, ये गुजरात जा रहे हैं। इनके अभी हम इनके गांव में ही है ना, यही गांव है ना? मिर्जापुर ना, तो इनके गांव में इस समय हम मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे इनको सैलरी कितना दिया जाए, काम कितना लिया जाएगा, है ना, क्या वर्क होता है, इससे पहले वहाँ पे काम कर चुके हैं तो क्या काम करना पड़ता था, कितने दिन बाद वहाँ से आए, इनके भाई का क्या वर्क है। आपके भाई साहब वहीं पे है ना? हाँ भाई मेरे हैं वहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम क्या है आपका? नदीम। नदीम जी कहाँ रहने वाले हैं? मिर्जापुर रहने वाले हैं। मिर्जापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, अगर बात करें तो अभी कितने पढ़े लिखे हैं? हमको ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं मगर हाई स्कूल पास किए हैं। अच्छा, हाई स्कूल हो? हाई स्कूल मास्टर हो? हाँ है, मेरे पास है ना। अच्छा ये बताओ एज कितनी होगी आपकी? मेरी मान लो 21 साल। 21 साल है आपकी? अच्छा, कहाँ आपने जॉब कहाँ कहाँ किस किस शहर में किया है? मैं यहाँ पे वापी में पहले गया था काम करने के लिए। वापी गुजरात? हाँ गुजरात में। वापी गुजरात में गया था तो वहाँ पे पोलोथीन जो नहीं बनती है, बड़ी बड़ी पोलोथीन बनती थी वहाँ पे, तो वहाँ सैलरी अच्छा है काफ़ी भी अच्छा। अगर काम करोगे तो वहाँ 15,300 रुपये मिलता है और फिर पीएफ भी कटता है तुम्हारा। अगर 1,000 पीएफ कटेगा तो 1,000 कंपनी तुमको पीएफ देगा। हाँ। तो तुमको जैसे साल डेढ़ साल तुम्हारा जैसे हो गया तो पीएफ आपकी घर भी आके सकते हो, निकाल भी सकते हो। और जैसे काम करते करते तुम पुराने आदमी 5-6 साल तुमको उसकी कंपनी भी दिया। इंटरनेट्स कंपनी है, इंटरनेट्स कंपनी है। जैसे तुम पुराने हो गए, बिल्कुल पुराने होते जा रहे हो तो तुमको सैलरी भी अच्छा भी, वहाँ जैसे आज दूसरे संपत्ति हुई अपनी होते रहता है। जैसे आपकी पहुँच हो गया जैसे मैनेजर या इंसान सर से संपर्क हो गया तो सर जैसे आप मशीन वसीन सीख गए तो सर तो उनको या सर मेरा कोई जैसे बात हुआ तो जैसे संपर्क हुई तो कुछ साथी अपना कहते हो सर वो अपनी कंपनी से हो जाएगी, फिर तुम्हारा सैलरी बढ़ जाएगा। फिर जैसे घर अगर काम अच्छी से मिल गए तुमको, अगर मानने चलने लगे जैसे हो गया तुम्हारा, और फिर घर जब आने लगे तुम कंपनी से हो जाएगी, एक महीना की कंपनी तुमको घर आके भी पैसा देती है वहाँ पर। अच्छा, मतलब कंपनी से जैसे घर अगर आते हैं महीने के लिए तो एक महीने घर पे रहो उसको पैसा कंपनी देगी? कंपनी वहाँ पे पैसा देती है। आपके भाई आते हैं उनको पैसे मिलता है? हाँ मिलता है, एक महीने की सैलरी उनको मिलती है। अच्छा, अभी उनकी सैलरी वहाँ पे कितनी है? उनकी यहाँ 25,000 है। 25,000 है। तो अभी कहाँ के लिए आप जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं गुजरात वापी में। वापी में फिर से जा रहे हो? फिर से जा रहे हो वहीं पे। अच्छा, क्या बेसिक आपको वहाँ पे क्या वर्क क्या करना पड़ता है? वर्क कुछ नहीं, बस यही काम है, मशीन वहीं चलती है, बस वही खड़े रहो, बस देखना है क्या हो गया क्या नहीं, बस हो गया, कुछ काम तो वहाँ नहीं। अच्छा, बनता बनाता क्या है कंपनी में? कंपनी वो तिरपाल पॉलिथिन बनाती है, रेन कोट हो गया जैसे और कोई। अच्छा, रेनकोट बारिश में जो पहना जाता है, बारिश में है ना, बारिश सेफ्टी के लिए जो पहना जाता है पूरा ड्रेस वगैरह, रेनकोट वगैरह हो गया है ना, वही सब चीज़ें होती है ना? बड़े बड़े तब जैसे गाड़िया का तिरपाल हो गया और फिर मैटी उटली का जैसे नहीं और मामा लगाते हैं वो भी वाटर प्रूफ वाला भी बनता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है सर? हमें बस मशीन चलाना पड़ता है। अच्छा, मशीन चला कर। कैसा काम, कैसा है काम? अच्छा है हाँ? काम एकदम बढ़िया है। बढ़िया काम है, कोई प्रेशराइज वर्क तो नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मिसलीडिंग तो नहीं करता उल्टे सीधे ना, कोई कोई बात नहीं, सब तुमसे प्यार से बात करेंगे जैसे रहेंगे, चाहे वो सर रहे चाहे आपसे आप ही करके बात करेंगे वहाँ। अच्छा, एक चीज और था कि मतलब वहाँ पे एज एन ऑन रोल होता है या कंपनी बेस पे होती है? कंपनी बेस पे होती है, जो उससे मतलब नहीं है, ठेकेदार उधर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम कंपनी में काम करो, कंपनी तुम्हारा जब महीना हो जाएगा तुमको एटीएम देगा, एटीएम पे डाल देगा, खाता है आपके पास, खाता है खाता पे डाल देगा। अगर तुम्हारे एक महीने का वहाँ पगार सैलरी दोगे, घर आ जाओगे तो सैलरी तुमको घर मिल जाएगी, तुम्हारे खाते पे डाल देता है। अच्छा, मतलब सैलरी की दिक्कत नहीं होती? सैलरी की दिक्कत कुछ नहीं। कितने तारीख को आ जाती है सैलरी? सैलरी तुमको 16-17 भर में आ जाती है तुम्हारी। 15-16 मतलब उसका यही टाइम है, 15-16 का टाइम हुआ है कि नियम ही है सर। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई घर आ जाता है या कंपनी से रहोगे तुमको 3-4 या कंपनी से तुम्हारी जैसे कंपनी से हो अपनी कंपनी तरफ से तुमको 2-3 तारीख को पगार वहाँ सैलरी आ जाती है। अच्छा, 2-3 तारीख को ही आ जाती है? 2-3 तारीख कंपनी से रहोगे तब तो। अच्छा, अभी आपको वहाँ पे बुलाया गया है? हाँ अभी हमको बुलाया गया है।
कितने वहाँ पे वर्कर अभी वर्कर रहते वर्कर हैं कम से कम, नहीं तो वहाँ 1200 ही समझी लो वहाँ पे। हाँ क्या कंपनी सुविधाएं देती है जैसे रहने का खाने का क्या सुविधा देती? खाना वाना वहाँ सब मिलता है 15 रुपए वहाँ पे करता है, कंटीन भी है वहाँ पे। पंद्रह रुपए दो तुम्हारे महीने पे कट जाएगा वो। मीठा भी खाना चेंज करके देता है। हाँ रोज खाना तुमको चेंज देगा, मीठा भी देगा, चाहे जलेबी होगा चाहे रसगुल्ला होगा कोई चीज होगा तुमको सब मिलता है, छाछ भी मिलता है, सब जो चाहे जो ले लो। बढ़िया है यहाँ का। वहाँ खान बेल बढ़ता है वहाँ पे, जो कंपनी जहाँ पे है उसको खान ही बोल खान बोल बोलते हैं, वहीं पे कंपनी है ये गुजरात में। हाँ पूरा एड्रेस क्या होगा वहाँ का? और उसका एक और कंपनी और डेस्क भी है। अच्छा हाँ उसमें भी जा सकते हो, जैसे कंपनी में नहीं काम मिला तुमको दूसरी पे जाके दो तीन वहाँ पे कंपनी उसी मालिक की कंपनी है। अच्छा। जैसे वहाँ पे नहीं किया तुमको तो दूसरे वाले कंपनी चले जाओ, वहाँ भी यही सुविधा है। अच्छा यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी, इंटरव्यू भी कुछ होता है? इंटरव्यू तो वहाँ पे ये तो हमको नहीं मालूम है। आपका इंटरव्यू हुआ था पिछली बार? नहीं कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। तुम जाओगे आधार कार्ड तुमसे लेगा या तुम्हारे पास पिन कार्ड हो या कुछ हो वगैरह वगैरह तुमको वही लेगा, फिर वहाँ पे तुमको दे देगा। वहाँ पे आधार कार्ड लेगा तुम वही फोटो कापी भी करा के तुमको फोटो में लेता है, बस हो गया उसके सिवा कुछ नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं तुमसे पूछेगा कुछ नहीं जाए कुछ नहीं करेगा। अच्छा हाँ सब अपना लग जाएगा वहाँ। और रूम का कैसे क्या फैसला? रूम का जैसे तुम्हारे ऊपर है, रूम से 1000 से लेके 1500 ले 5000 तक रूम है वहाँ। अच्छा हाँ कंपनी तुम्हारे रूम पे तुमको फ्री देगी, एक कंपनी देगा रूम? हाँ कंपनी तुमको रूम देगा। अगर तुमको दूसरी जगह रहना है तो कंपनी तुमको अगर 4-5 है तो कंपनी पूरा भाड़ा का जहाँ रहो। अच्छा हाँ तुमको भाड़ा वो कंपनी महीना दे देगी। कितना दे देगी कंपनी? कंपनी तुमको अगर जैसे रूम है तुम्हारे, जैसे तुम्हारे ऊपर 1500 का रूम ले लिया 2000 के ले लिए, 4 आदमी 5 आदमी है तो जैसे हो गया, अगर 5000 तो कंपनी ही देती है पैसा। अच्छा रूम का कंपनी देती है? तुम्हारा खाना पीना खाली जो लगेगा लगेगा, मतलब वो भी तो दोपहर का कंपनी देगी? दोपहर का एक टाइम तो कंपनी एक टाइम रूम पे आके बना के खाओ। अच्छा नहीं तो अगर रही है रुको तो वहीं खा के आओ और क्या। ये बता रहे जैसे कि मान लो जैसे कि आप कितने घंटे वर्क करना पड़ता है आपको? हमको तो 12 घंटा करना पड़ता है। काम तो कुछ नहीं है वहाँ, खाली कंपनी मिले रहो बस, साहब आगे वहाँ खड़े रहो देखे रहो मशीन चल रही बस, उससे मशीन से मतलब है, प्रोडक्शन से मतलब है, तुम चाहे जो करो उससे मतलब कंपनी से नहीं है। अच्छा हाँ जो तुम्हारा काम है वही कर दो काम खत्म, कोई बोलने वाला वहाँ पे नहीं। कितना सैलरी कितना है आपकी? सैलरी मेरी है कम से कम 70,000। 70,000 मिलती है? 70,000 मिल जाती है? मिल जाती है। अच्छा अच्छा ये बता दो वहाँ पे ओवर टाइम वगैरह चलती है? ओवर टाइम नहीं चले तुमको करना है, अगर ओटी चलती है वहाँ पे ओवर टाइम नहीं, ओटी कर डबल वही ओटी ओटी हो गया। हाँ तो डबल डबल अगर जैसे मारते हो तुमको मिल जाएगा। अच्छा मिल सकता है? अच्छा मतलब ओवर टाइम वगैरह भी है? हाँ ओवर टाइम भी। यार ये तो काफ़ी अच्छी कंपनी। कब जा रहा फिर बात? मैं 12-13 तारीख निकल जाऊँगा। 12-13 तारीख 12-13 तारीख यहाँ से निकल जाऊँगा। कौन सी गाड़ी कौन सी ट्रेन जा रही है? सुपर फास्ट। कहाँ ले जाती है ये? ले जाती है वापी। अच्छा वापी गुजरात? हाँ वहीं वापी बता रहे तो वहाँ से कम से कम नहीं ऑटो या बस हुआ तो ज़्यादा नहीं 40-50 रुपये लेते अपने रूम तक पहुँच जाते जहाँ से मेरी कंपनी। अच्छा अभी आपके गांव के कितने लड़के वहाँ पे गए हुए हैं? गांव से कम से कम नहीं तो 15-20 आदमी इधर से गए हैं। अच्छा 15-20 लड़के उस कंपनी में कर रहे हैं? कर रहे हैं अभी तो सही है। और तो आदमी यहाँ से कंपनीज भी हो गए हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं, 34,000 कोई पा रहा है, कोई 36,000 पा रहा है, कोई 30,000 पा रहा है, कोई 32,000 पा रहा है। आपके मोहल्ले के? मोहल्ले के ही, हमारे गांव से कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर भी तो मोहल्ले तो है और 3-4 मोहल्ले के भी आदमी है हमारे। अच्छा हमारे खुद चाचा है दो वहाँ पे। अच्छा उनकी कितनी सैलरी है? उनकी सैलरी 18-19 जैसे अपनी काम के ऊपर है। काम हाँ जैसे आपकी काम भरेगी उसे पैसा मिलेगा। तो देखो देखो दोस्तों हर वीडियो में कहता हूँ एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस, काम करने का तरीका। अगर आपके अंदर हुनर है, आपने काम किया है और आपके अंदर एक्सपीरियंस आ चुका है तो देखो भैया ने जैसे बताया कि आपको आराम से सैलरी वहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों अच्छी सैलरी मिल जाएगी लेकिन ये है कि कंपनी को आपको टाइम देना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कंपनी के सामने कि हम में भी दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना? हाँ यही बात है ना। अगर मान लीजिए भैया जा रहे हैं कितने दिन, अभी कितने महीने आप वहाँ पे करके आए? 1.5 साल हो गया वहाँ। मशीन पे चला लेते हैं? मशीन से एकदम चल चलाते हैं, है ना। अब मान लीजिए अगर इनका ही प्रमोशन होता है, अगर जैसे तुम्हारे मशीन पे कोई अगर दूसरा है तुम्हारी जगह पर अगर वो चला जाता है तुम चला रहे हो तो सैलरी तुम्हारी अच्छी मिलेगी। अगर वो रहेगा तो कहाँ से जगह खाली नहीं देगी, फिर वही तुम्हारा वही जितना पगार उतना ही मिलेगा 17,000 मिलेगा। और अगर सीख जाओगे बढ़िया मशीन पर तो वही रहेगा 30,000-35,000 मिलेगा तुमको और क्या। अच्छा कंपनी से रहोगे? अच्छा कोई मेहनत का काम तो नहीं? कुछ नहीं मेहनत का काम है, तुम बस मशीन पर देखते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या कुछ जा रहा है कि बस हो गया, कुछ से मतलब नहीं कुछ। अच्छा करते रहो कोई बोलने वाला नहीं है। चलो यार ठीक है भाई से बातचीत करके अच्छा लग रहा है। बस हमारी पहल होती है जो भी हमारे भाई बेरोजगार उनको जॉब दिलाना और उनको सही राह दिखाना। तो भैया से बातचीत करके अच्छा लग रहा है। बहरहाल ये 12 तारीख को ये गुजरात जा रहे हैं, गुजरात वापी में जा रहे हैं, वहाँ का सैलरी काफ़ी ग्रेड अच्छा हुआ है
और मैंने इनको अहमदाबाद के लिए अप्रोच किया, मैंने कहा अहमदाबाद चले जाओ, है ना, वहाँ के लिए भी सैलरी मैंने इनको बताया। इशरार भाई बताएं कि अगर वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा तो इशरार भाई के साथ भी अगर वो बता रहे हैं तो अगर जाएंगे, अगर अच्छा लगा तो हमको वहीं पे रहेंगे भाई। इशरार भाई अगर कह दिए तो भाई अच्छी है, तो भाई इशरार भाई अगर कह रहे हैं एक बार तो जाएंगे, देखेंगे भाई इनका भी देख लेंगे। जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ पहले ये जहाँ जा रहे मैंने कहा वहीं जाना, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना तो मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। एक्चुअली मुझे पता चला कि ये भाले भाई जाने वाले, मैंने कहा इनका इंटरव्यू लिया जाए, काम कैसे होता है। अच्छा, गांव का माहौल कैसे होता है, गांव फिर शहर का माहौल कैसे होता है, कुछ उसमें परिवर्तन होता है ना, मतलब उसमें बदलाव आ जाती है ना, जैसे गांव गांव ही हुआ, शहर सिटी हुआ। अच्छा, गांव की याद आती है फिर? हाँ, की नहीं याद आएगी, किसकी याद आती है? अरे घर वाले की याद आएगी, और गर्लफ्रेंड भी रहेगी तो उसको भी याद आएगी। अच्छा, और किसकी याद आएगी? गर्लफ्रेंड है क्या आपकी? है ना भाई, है एक दो तो है ही नहीं ना, एक दो। हाँ यार, ऑन कैमरे में से बोल रहे हो यार, तो क्या करें, उसमें जो है भाई सब जो बात है बात बताएंगे, और किसी का कोई भी याद है, माँ होगी, माँ भी, बाप भी, बाप भी याद आए, और जिसकी शादी बीबी हो गई तो बीबी को भी याद आएगी, लड़के हैं लड़के बच्चे हैं उसको लड़के बच्चे की याद आएगी। और आपकी? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई ना। अच्छा, गर्लफ्रेंड है तो उसकी भी थोड़ा बहुत याद आ जाती है। चलो ठीक है यार, तो साहब से बातचीत काफ़ी अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आज के हमारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए नौकरी के साथ, एक नए वैकेंसी के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।